हेलो, राम राम, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। सवेरे सवेरे का टाइम है, हमारे बैग रेडी हैं, गाड़ी भी आ चुकी है। यहाँ पे सोनू मेरे साथ और आज हम निकले हैं एक ट्रिप पे, और ये है दो कंट्री का ट्रिप, पोलैंड एंड स्लोवाकिया का। मौसम काफ़ी अच्छा है। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने वर्क प्लेस से, और ये गाड़ियाँ हमको छोड़ने वाली हैं एयरपोर्ट, बर्मिंघम एयरपोर्ट। तो बर्मिंघम एयरपोर्ट से हम जाने वाले हैं। तो ये एयरपोर्ट का एरिया आ गया है, यहाँ पे अभी हम पार्किंग में जा रहे हैं। तो ये बर्मिंघम एयरपोर्ट है, ये शॉर्ट स्टे वाली पार्किंग है। तो बर्मिंघम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से फ्लाइट इंडिया और सारी कंट्रियों में जाती हैं, प्लस यूरोपियन लोकल फ्लाइट ज़्यादा हैं यहाँ से, इंटरनेशनल इतनी नहीं है लेकिन फिर भी हैं। तो अभी सामान देने के बाद हम चले हैं आगे की तरफ। लेट्स गो। किथे जाने आज? पोलैंड जाना। पोलैंड? पोलैंड मेरा घर है। तो सुबह से सवेरे फ्लाइट में चढ़ने से पहले यहाँ पे लिए जा रहे हैं कॉफी एंड बन। कहाँ पे? बर्गर किंग। आगे तो खुद जाके बनाना है। कुछ आंदा है तेनू बनाना? मैंने नहीं आंदा। तेनू गल्ला तो पता है, बड़ी बनानी आंदी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने प्लेन को ढूंढने के लिए, कहाँ पे लगा हुआ है। तो चलो प्लेन को ढूंढ लिया जाए। सब कंफर्टेबली बैठ चुके हैं, टेक ऑफ की तैयारी हो रही है, और ये ज़्यादा बड़ा प्लेन नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं मेरी लास्ट सीट है, और इसी के साथ हम चल चुके हैं फास्ट फॉरवर्ड में। और मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करेगा नीचे ग्राउंड कैसा दिखने वाला है। ऑब्वियसली ग्रीन है क्योंकि यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, तो ग्राउंड हमेशा ग्रीन ही होता है। कुछ येलो येलोइश एरिया दिख रहे हैं ड्राई वाले, वहाँ पर फसल पक रही है थोड़ी बहुत। अब हम पोलैंड में लैंड कर चुके हैं, ये वाला छोटा सा जहाज था। तो अभी हम एयरपोर्ट पे आ गए हैं और हमारे लिए आई है ये इतनी बड़ी गाड़ी। हमारे लिए आई है वो गाड़ी? हमारे लिए भाई, डेफिनेटली लिमोजिन स्पेशल वीआईपी पर्सन। अभी पोलैंड में हम 6-7 दिन रुकने वाले हैं, और उसी के साथ हमने यहाँ पे दो गाड़ियाँ हायर की हैं 9-सीटर। तो हमारी पूरी जो टीम है वो यहाँ पे घूमेगी इन दो गाड़ियों में, और क्या करने वाली है, जो भी फन करने वाली है, जो भी एडवेंचर करने वाली है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो अभी हम मैकडी में आए हैं, सुबह बर्गर किंग, अब मैकडी है। पॉलिश बोली जा रही है ना, विषय लेकिन समझ में नहीं आ रहा। हम तो लड़ भी नहीं पा सकते ना इससे, अगर कोई किसी से लड़ना हो तो कुरवा बोल दिया, बात तो सब ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे ऑर्डर किया है बड़ी मुश्किल से लैंग्वेज समझ के। अभी 64 आए ना, तो बताइयो, मैं भी दिखाता हूँ स्क्रीन। ये तो पता चल रही है, आइज लाटे तो आइज लाटे है, बर्गर के नाम थोड़े से कर रहा है। सो फिनिश। सब कुछ दिखा दिया मैंने यहाँ पे। आराम से भाई, कहीं जा नहीं रहा। तो अभी लंच करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं। तो जिस शहर में हम जा रहे हैं उसका नाम है जोकोपाना, और ये एक तरीके से हिल स्टेशन है यहाँ पे पोलैंड में। लोग यहाँ पे सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में आते हैं। सर्दियों में यहाँ पे लोग स्की वगैरह करते हैं, बर्फ काफी पड़ती है, और गर्मियों में लोग यहाँ पे हाइकिंग, ट्रैकिंग, साइकिलिंग और एक दो एडवेंचर और करते हैं।
और यहाँ पे अच्छी अच्छी लेक्स वगैरह भी हैं और अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, तो हाइकिंग करते हुए काफ़ी फन होता है। तो हम भी यहाँ पे हाइकिंग करने के लिए आए हैं। और इसी के साथ यहाँ पे जो घर वगैरह हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू यूके। यूके में घर थोड़े छोटे होते हैं, यहाँ पे घर काफ़ी बड़े बड़े हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर घर मैंने देखे हैं अलग अलग डिज़ाइन के हैं, और साइज में तो मैंने बता ही दिया आपको, काफ़ी बड़े हैं। देखो आगे पीछे इनमें जगह काफ़ी है, गार्डन काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 और बेसमेंट भी होते हैं, 4-5 मंजिल के घर हैं और आपको देखने में अलग अलग ही लगेंगे ज़्यादातर। तो अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं कल के लिए, यहाँ पे LD में आए हैं अभी, और यहाँ पे LD में बहुत ज़्यादा सामान है एज़ कम्पेयर टू UK, और वैरायटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हमारा बंदा लगा हुआ है भागम भाग, भरा पड़ा है LD, लोग भी भरे पड़े हैं, बिजी टाइम। तो ये हमारी शॉपिंग है आज की, लेकिन ये आधी है, आधी अभी स्टोर के अंदर ही है, और हमें ये सारी शॉपिंग करने में लगा है 1 घंटे से भी ज़्यादा। तो अगर मैं पॉलिश अमाउंट में बताऊँ तो हमने यहाँ पर 1300 पॉलिश, जो भी बोलते हैं जुलिटी वगैरह, वो खर्च दिए हैं आज। तो ये है नज़ारा है हमारी बालकोनी से, इज ब्यूटीफुल। एंड टुमारो हम इसी पहाड़ियों पे जाएंगे। दिस इज लिटिल बालकोनी एंड दिस इज आवर होम फॉर 3 डेज। तो ये नाइट राइडर्स पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं रात को। क्या लिखा है वहाँ पे? इधर फोटो ले। तो अभी रात को हम जा रहे हैं खाना पीना खाने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी लोग घूम रहे हैं। एक तरीके से ये है टूरिस्ट अट्रैक्शन, यहाँ पे ज़्यादातर सर्दियों में लोग स्की करने के लिए आते हैं, गर्मियों में साइकिलिंग, वॉकिंग, ट्रैकिंग और घूमने फिरने के लिए। अगर रात को दिख नहीं रहा होगा, ऊपर पहाड़ पे बर्फ जमी हुई अभी हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी, तो अगर कल हम वहाँ पे जाएंगे आपको भी दिखाएंगे। और अभी काफ़ी अंधेरा हो रखा है तो मैं दिखा भी नहीं पा रहा हूँ आपको ढंग से। और यहाँ पे एक कितनी प्यारी सी गाड़ी पार्क कर रखी है। तो रात के टाइम पे यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, और ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी क्रिसमस मार्केट में आ गए होंगे। और ये बच्चों के लिए फन। तो अभी हम एक रेस्टोरेंट में आए थे और यहाँ पे इनके मेन्यू लगे हुए हैं, और साउंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी म्यूज़िक की, इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया। और मेरे को जो मेन्यू में लकड़ी लगी हुई है ना, ये काफ़ी अच्छी लगी। और अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, कुछ ढूंढते हैं हमारे लायक कुछ मिलता है तो इस यहाँ पे पोलैंड में। किथे बाज गया फिर चल के दिखाइयो, चल के दिखाइयो, कंपटीशन में जा सकता है तू। हाँ वैसा होता है इसका कंपटीशन। हाँ ये देख ले, ये चाल है। बस बस ओए। तो अब हम वापस आ गए हैं, ये हमारा रूम है, थोड़ा सा बिखरा हुआ है, मेरा बेड है, उधर सतिंदर है। और कल मिलते हैं फिर, तो कल होने वाला इंटरेस्टिंग डे। और सब सो चुके हैं, अभी मैं नहा धो के ब्रश वगैरह करके अब मैं भी सोने लगा हूँ। तो होप आपको ये आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।